हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे मिडिलवेयर के बारे में। सो लारावेल सीखने की इस सीरीज में यहाँ पे जो आज का टॉपिक है वो होगा मिडिलवेयर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था राउटिंग के बारे में, बेसिक राउटिंग क्या होती है, कैसे हम करते हैं, और राउटिंग के साथ हम पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, ये भी हमने देखा था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मिडिलवेयर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली मिडिलवेयर क्या है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, मिडिलवेयर। सो मिडिलवेयर को आप समझ सकते हैं एक तरीके से मिडिल लेयर, मतलब कि ये बीच की लेयर का काम करता है यूजर और रिक्वेस्ट के बीच में। सो मिडिलवेयर क्या है, मिडिलवेयर एक लेयर की तरह काम करता है जो कि यूजर और जो रिक्वेस्ट हम भेजते हैं बैकएंड से, उसके बीच में एक तरीके से फिल्टर का काम करता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब फिल्टर का मतलब क्या हुआ कि सपोज यूजर है, इधर बैकएंड है, यूजर कोई भी रिक्वेस्ट करेगा सिस्टम से तो उस रिक्वेस्ट को वो फिल्टर करेगा। फिल्टर मतलब कि उस पर हम कोई भी कंडीशंस लगा सकते हैं, तो उस रिक्वेस्ट को फिल्टर करने के बाद ही वो रिक्वेस्ट आगे बैकएंड के पास जाएगी। जो ये हम फिल्टर की बात कर रहे हैं, कोई भी कंडीशन हम लगा सकते हैं, ये किसके थ्रू लगा सकते हैं, ये मिडिलवेयर के थ्रू लगा सकते हैं। इस वीडियो में यही बात करेंगे कि मिडिलवेयर क्या होता है, कैसे मिडिलवेयर को क्रिएट करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे राउटिंग के साथ को इसको हम राउटिंग के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे लास्ट की वीडियो में हमने राउटिंग डिस्कस किया था, मैंने यहाँ पे फाइल्स है वो डिलीट कर दी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक व्यू बनाऊँगा, जो आप सबको पता होगा व्यू कैसे बनाते हैं सब चीज़, और व्यू क्या होता है। अगर देखो आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इससे पहले वाली वीडियोज हैं, जो भी 3-4 वीडियोज आ चुकी हैं वो पहले आप देखेंगे, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। क्योंकि यहाँ पे व्यू मैं बनाऊँगा और जो भी मैं राउटिंग करूँगा, ठीक है, राउट्स बनाएंगे, तो वो क्या होता है वो बार बार नहीं बताने वाला। अगर आप पहली बार इसको देखेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे यहाँ पे मैं एक व्यू बनाता हूँ, लेट्स से यूजर्स डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, राइट। और इसमें मैं सिंपल लिख सकता हूँ दिस इज ए यूजर यू, या फिर ऐसे हम कह सकते हैं वेलकम टू यूजर, ऑलराइट, सिंपल। और इसके लिए मैं राउटिंग भी यहाँ पे कर लूँगा। राउटिंग हम कैसे करेंगे आपको पता है, वेब डॉट पी एच पी में जाएंगे और राउट्स इसके लिए डिफाइन करना है तो आपको पता है किस तरीके से करेंगे, आप गेट के द्वारा भी कर सकते हैं यहाँ पे, और इसमें आप फंक्शन बनाएंगे, कॉल बैक फंक्शन रिटर्न व्यू, कौन सा व्यू आप रिटर्न करवाना चाहते हैं, लेट्स से यूजर, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक यूजर नाम का व्यू बनाया और उस व्यू के लिए हमने यहाँ पे राउट डिफाइन कर दिया, ओके, बेस यूआरएल पे। तो अब मैं क्या करूँगा, एक बार मैं इसको रन करवा के चेक कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं वेलकम टू यूजर, मतलब कि हमारा ऐप है जो काम कर रहा है। अभी हमने क्या किया, सिंपल एक व्यू बनाया और एक व्यू के लिए हमने यहाँ पे राउट है वो डिफाइन किया है, ऑलराइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक व्यू और बनाता हूँ मैं, अब क्यों बनाऊंगा वो अभी आपको समझ आएगा धीरे धीरे। एक व्यू और बनाता हूँ सिंपल, मान लो वेलकम नाम से ही बना देता हूँ, तो इसको मैं सेव करूँगा और ये हो गया वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, और ये हो जाएगा दिस इज वेलकम व्यू, कुछ भी लिख सकता हूँ ये मैटर नहीं करता है। अब मैंने क्या किया, चलो ये जो मैंने बनाया बेस यूआरएल पे, रूट यूआरएल पे, इसको मैं कर देता हूँ वेलकम, और यूजर के लिए मैं एक अलग से राउट यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, और मान लो मैंने स्लैश यूजर पे मैं जाऊँगा तो मान लीजिए कि यूजर वाला व्यू है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा, दो व्यू बनाए और दोनों के लिए मैंने राउट यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अगर मैं स्लैश यूजर करूँगा तो यूजर वाला राउट यहाँ पे होगा, अदरवाइज डिफॉल्ट यूआरएल पे वेलकम वाला राउट एग्जीक्यूट होगा। इसको एक बार चेक करवा देता हूँ, इसको रन करेंगे तो दिस इज वेलकम व्यू, और अगर मैं स्लैश करके यूजर पे जाऊँगा तो ये बताएगा वेलकम टू यूजर, ऑलराइट। सो फिलहाल हमने इतना किया है जो सभी को पता था, दो व्यू बनाए और दो व्यू के लिए हमने यहाँ पे राउट बनाए। अब हम बात करते हैं मिडिलवेयर की। तो मैंने आपको बताया था कि मिडिलवेयर क्या करेगा, जो भी हम यूजर और रिक्वेस्ट है उसके बीच में एक लेयर का काम करेगा, और लेयर कह सकते हैं एक फिल्टर का काम करेगा, जो कि कोई भी कंडीशन हमें अप्लाई करना चाहते हैं उस पर तो कंडीशन हम इसका यूज करके कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
सो अब मिडिलवेयर कैसे बनाते हैं ये यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिडिलवेयर मिलता कहाँ पे। सो देखिए यहाँ पे फोल्डर है HTTP, HTTP के ऐप के अंदर HTTP, और HTTP के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे मिडिलवेयर नाम का एक फोल्डर है। और इस मिडिलवेयर पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से काफ़ी मिडिलवेयर्स हैं जो बने हुए हैं। तो हम जो भी मिडिलवेयर बनाएंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो मैं अब एक मिडिलवेयर बनाता हूँ, और मिडिलवेयर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ओपन करना होगा मेरा कमांड लाइन, और कमांड लाइन पे मुझे यहाँ पे लिखना होगा, कमांड है ध्यान रखना PHP आर्टिसन मेक कॉलन मिडिलवेयर, और उस मिडिलवेयर का नाम मान लीजिए मैं यहाँ पे चेक इज नाम का मिडिलवेयर बनाना चाहता हूँ। सो क्या हो गया, कमांड क्या हुआ, PHP आर्टिसन मेक कॉलन मिडिलवेयर, और उस मिडिलवेयर का नाम जो भी आप कोई भी नाम डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे नाम दिया चेक एज, तो मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडिलवेयर क्रिएटेड सक्सेसफुली बता रहा है, मतलब कि हमारा मिडिलवेयर क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। और आप साइड में यहाँ पे देखेंगे मिडिलवेयर वाले फोल्डर में तो यहाँ पे आपको चेक एज डॉट PHP नाम से एक फाइल बन चुकी है, मतलब कि एक मिडिलवेयर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर इसको मैं ओपन करूँगा तो चेक एज डॉट PHP फाइल पर जाएंगे तो यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट कोड है जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो एक फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है पब्लिक फंक्शन हैंडल, ठीक है, जो कि रिक्वेस्ट को हैंडल करता है एक तरीके से। तो यहाँ पे हम जो भी कोड लिखेंगे वो इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अभी सिर्फ हमने ये देखा कि मिडिलवेयर क्या होता है और मिडिलवेयर कैसे बनाते हैं ये भी हमने देख लिया, यहाँ पे जो कमांड है वो मैंने आपको बता दी। अब हम मिडिलवेयर हमने बना लिया है, अब मिडिलवेयर बना तो लिया है बट वो किसी राउट पे अभी हमने अप्लाई नहीं किया है। जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक मिडिलवेयर का कोई यहाँ पे यूज नहीं है, हमें उस मिडिलवेयर को जो हमने बनाया है उसको अप्लाई करना होगा अलग अलग राउट्स पे, जो भी हम चाहेंगे जिस राउट्स पे अप्लाई करना चाहेंगे या सारी राउट्स पे अप्लाई करना चाहेंगे तो वो हमें अप्लाई करना होगा। तो मिडिलवेयर हमने बना लिया है, अब अप्लाई कैसे करेंगे वो यहाँ पे देखते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे जो भी हमें राउट है मतलब URL पे हम जाएंगे, जैसे मैं यूजर पे जा रहा हूँ या फिर मैं जो बेस जो URL है रूट URL उस पर जाऊँगा, तो मैं जिस भी URL पे जाऊँगा इसको राउट बोलते हैं बेसिकली, तो जिस भी राउट पे मैं जाऊँगा जिस भी राउट के लिए मैं चाहूँगा उस पर मैं मिडिलवेयर अप्लाई कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सारी राउट पर मिडिलवेयर अप्लाई करें, जो भी कोई एक पर्टिकुलर राउट पर मैं चाहूँ तो उस पर मिडिलवेयर अप्लाई कर सकता हूँ, या मैं सारी राउट्स हैं उन पर भी मैं मिडिलवेयर अप्लाई कर सकता हूँ। डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सारे राउट्स हैं उन पर वो मिडिलवेयर अप्लाई हो जाएगा। तो पहले वही बताऊंगा मैं कि सारे राउट्स पे मतलब जो भी यहाँ पे आप राउट बनाएंगे उन सारी राउट्स पे बाय डिफॉल्ट कैसे मिडिलवेयर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो भी ये राउट हम बना रहे हैं तो इन सारे राउट पे जितने भी राउट होंगे उन सब पे वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। और फिर हम उसके बाद देखेंगे कैसे हम एक एक कोई स्पेसिफिक राउट पर हम अप्लाई करना चाहते हैं मिडिलवेयर को तो वो कैसे कर सकते हैं। तो आपको मिडिलवेयर बना लिया, अब मिडिलवेयर को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक फाइल है मिडिलवेयर के अंदर, सॉरी यहाँ पे HTTP के अंदर ही फाइल है kernel.php, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं kernel.php। सो इसको मैं ओपन करूँगा kernel.php, आपको ध्यान रखना है मिडिलवेयर को आपको अप्लाई करना है तो आपको kernel.php फाइल में जाना होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक एरे नाम मिडिलवेयर नाम से एक एरे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ओके। सो यहाँ पे एक एरे डिफाइन किया हुआ है तो आपको जब सारे राउट्स पे मतलब जो भी सारे राउट्स होंगे उन पे आपको एक साथ मिडिलवेयर अप्लाई करना है तो आपको उसको यहाँ पे डिफाइन करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको उसको डिफाइन करना होगा, सॉरी यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा, और फिर हम आगे देखेंगे कि हम पर्टिकुलर किसी भी राउट पे डिफाइन करेंगे तो उसको कैसे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो ये एरे है यहाँ पे मिडिलवेयर नाम से, इसके अंदर आपको उसको जो आपने मिडिलवेयर बनाया हुआ है उसको यहाँ पे डिफाइन करना होगा, और यहाँ पे उसको डिफाइन कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक सारे राउट्स पे वो अप्लाई हो जाएगा। तो कैसे आपको करना है देखो, यहाँ पे इसी के अंदर ये इसमें पहले से काफ़ी मिडिलवेयर बने हुए हैं तो वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेंशन किए हुए हैं, अप्लाई किए हुए हैं, तो हमें क्या करना है इसके नीचे ही सिंपल अप्लाई कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमारा जो मिडिलवेयर है कहाँ पे है, ऐप के अंदर HTTP के अंदर मिडिलवेयर के अंदर, तो हमें पाथ देना होगा एक तरीके से ऐप HTTP मिडिलवेयर और मिडिलवेयर का नाम जो भी है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे कॉमा ध्यान रखें, कॉमा होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। बेसिकली हमने क्या किया, उस राउट का सॉरी उस मिडिलवेयर का पाथ यहाँ पे दिया है, ऐप HTTP मिडिलवेयर, और ये मिडिलवेयर का नाम है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, जो हमने बनाया है क्या हो जाएगा, चेक एज, और कॉलन कॉलन क्लास यहाँ पे हमें लिखना होगा, क्योंकि चेक एज नाम की एक तरीके से क्लास है। ठीक है, ये जो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर चेक एज डॉट पी एच पी है तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे चेक एज नाम की एक क्लास है। तो इसका पाथ एक तरीके से हमने दिया है यहाँ पे कर्नल डॉट पी एच पी में। तो ये हमने यहाँ पे इस एरे में जो मिडिलवेयर नाम का एरे है, इसमें जो मिडिलवेयर हमने बनाया है उसका पाथ यहाँ पे दे दिया है। तो अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिक सारे राउट्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव करके और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये इन सब पे अप्लाई हो जाएगा। बट अप्लाई हो जाएगा तो पता कैसे चलेगा हमें अभी अप्लाई हो रहा है, तो उसका पता करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या किया, मिडिलवेयर बना लिया, कमांड आपको पता है। मिडिलवेयर बनाने के बाद उसको हमें अप्लाई कर दिया, ठीक है, अप्लाई कर दिया, बाय डिफॉल्ट सारे राउट्स पे अप्लाई कर दिया। अब हमें उसका कोई भी कोड लिखना है मिडिलवेयर का, तो हम कहाँ जाएंगे, चेक एज डॉट पी एच पी जो मिडिलवेयर हमने बनाया इसके अंदर यहाँ पे कोई कोड हमें लिखना होगा। अभी ये चेक करने के लिए कि ये अप्लाई हो चुका है, ये काम कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इको, और यहाँ पे लिख सकता हूँ हेलो, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ दिस इज फ्रॉम मिडिलवेयर। ठीक है, तो मैंने इको किया सिंपल। अब मैं यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश करूँगा, तो रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है दिस इज़ फ्रॉम मिडिलवेयर, और फिर ये बता रहा है दिस इज़ वेलकम टू। तो मैं इसमें यहाँ पे एक br टैग का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पे ये बता रहा है दिस इज़ फ्रॉम मिडिलवेयर, मतलब पहले मिडिलवेयर अप्लाई हुआ, उसने उसको प्रिंट किया, उसके बाद जो वेलकम व्यू है वो वाला उसका कोड है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ, मिडिलवेयर पहले अप्लाई होगा, जब हम कोई रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होने से पहले बीच में ही ले जाएगी मिडिलवेयर की, तो पहले मिडिलवेयर अप्लाई होगा। तो ये तो सिंपल मैंने हमें लाइन लिखी है दिखाने के लिए कि दिस इज फ्रॉम मिडिलवेयर, अदरवाइज यहाँ पे हम कोई कंडीशन लिखेंगे, कोई भी फिल्टर या कोई भी कंडीशन हम लगाना चाहेंगे तो वो यहाँ पे लिखेंगे, वो ऑटोमेटिक उस रिक्वेस्ट पे अप्लाई हो जाएगी और फिर वो रिक्वेस्ट आगे जाएगी। तो अभी हमने इतना देखा मिडिलवेयर कैसे बनाते हैं, कैसे उसका अप्लाई करते हैं, और उसका जो भी कोड है वो यहाँ पे लिखना होगा हमें, ठीक है। तो मिडिलवेयर काम कर रहा है। अब सारे राउट के लिए हमने मिडिलवेयर डिफाइन किया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम सारे राउट्स के लिए डिफाइन किया है, तो जितने भी राउट होंगे उन सब पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने दो व्यू बनाए थे, दो राउट बनाए थे। तो आप देखेंगे इस पे भी ये अप्लाई हो रहा है, और अगर मैं स्लैश करके यूजर करता हूँ तो आप देखेंगे इस पे भी अप्लाई हो रहा है, दिस इज फ्रॉम मिडिलवेयर वेलकम टू यूजर, तो दोनों पे अप्लाई हो रहा है। तो जितने भी राउट होंगे उन सब पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट सारे राउट्स पे मिडिलवेयर अप्लाई किया। और सारे राउट्स पे मिडिलवेयर अप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको पता ही है, जो यहाँ पे कर्नल डॉट पी एच पी में जो एरे है उसके अंदर उस मिडिलवेयर को डिफाइन कर देना है। तो ये तो हो गया कि सारे राउट्स के अंदर कैसे आप ऑटोमेटिक सारे राउट्स पे मिडिलवेयर को अप्लाई कर सकते हैं। बट आप ऐसे नहीं चाहते कि सारे राउट्स पे आप मिडिलवेयर अप्लाई नहीं करना चाहते, आपको एक पर्टिकुलर कोई भी राउट है, ठीक है, अभी जो दो राउट थे दोनों पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया, हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर किसी भी राउट पे मिडिलवेयर अप्लाई करना चाहते हैं, सब पे अप्लाई नहीं करना चाहते, तो आप किसी पर्टिकुलर राउट पे भी मिडिलवेयर को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो यहाँ पे कर्नल डॉट पी एच पी में ये लाइन लिखी है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ पहले, क्योंकि ये तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक सारे राउट पे अप्लाई हो जाएगा। अब हमें किसी स्पेसिफिक राउट पे अप्लाई करना है मिडिलवेयर को, तो आपको नीचे आना है, और नीचे आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रोटेक्टेड राउट मिडिलवेयर, सो राउट मिडिलवेयर नाम का एरे है, इसमें आपको उसको डिफाइन करना होगा, और फिर उसके बाद आप किसी भी जो राउट है उस पर आप डिफाइन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस पर मिडिलवेयर को अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको यहाँ पे उसको मेंशन करना होगा जो भी हमने यहाँ पे मिडिलवेयर बनाया है वो, तो यहाँ पे पहले क्या करना होगा, उसका कोई नाम देना होगा, लेट से एज मैंने नाम दिया, ठीक है, और उसके बाद उसका पाथ देना होगा सेम उसी तरीके से। तो वो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल कोई भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, पाथ वही रहेगा ऐप HTTP मिडिलवेयर के अंदर जो भी रहेगा, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा ऐप HTTP मिडिलवेयर, और यहाँ पे हमारे मिडिलवेयर का नाम क्या था, चेक एज, ऑलराइट। सो हमने क्या किया, यहाँ पे डिफाइन किया, ओके, उसका नाम क्या है मिडिलवेयर का, ये नाम है, ये मिडिलवेयर का नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं, एज नाम दिया है मैंने लेट सी। तो यहाँ पे डिफाइन करने के बाद अब आपको आना है इस राउट पे,
जो भी हमने राउट्स डिफाइन किए वेब डॉट पी एच पी में, तो इसके अंदर अब क्या करना है, जिस भी राउट पे डिफाइन करना चाहेंगे उस राउट पे आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं उसको। ठीक है, अभी आप देखेंगे मैं इसको अगर रन करूँगा तो यहाँ पे ये वेलकम टू व्यू बता रहा है, और यहाँ पे मैं बोलूँगा अगर यूजर अप्लाई करूँगा देख सकते हैं वेलकम टू यूजर, मतलब अभी वो अप्लाई नहीं हुआ है सब पे। हमें क्या करना है, स्पेसिफिक यू आर एल राउट पे हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे उसको डिफाइन करना होगा, एज नाम हमने उसको दिया है, ओके। और अब आपको राउट्स पे आना है, जिस भी राउट पे आपको अप्लाई करना चाहते हैं उस पे आप स्पेसिफिक राउट पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लो मैं इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ स्लैश यूजर पे, पहले तो दोनों पे हो गया था बाई डिफॉल्ट, मैं मान लो इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ स्लैश यूजर वाले पे राउट पे, तो मैं क्या करूँगा, मुझे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे एरो साइन ये करके यहाँ पे आपको देना होगा मिडिलवेयर, और उस मिडिलवेयर का नाम दे देना है, सिंपल सा बस इतना करना है। एज क्या करना है आपको, मिडिलवेयर, और उसके अंदर मिडिलवेयर का नाम दे देना है। अब मिडिलवेयर का नाम चेक एज नहीं रहेगा, ध्यान रखना चेक एज तो उस क्लास का नाम है, मिडिलवेयर का नाम यहाँ पे एज है जो हमने यहाँ पे दिया है, ये नाम है, ये आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो ये मिडिलवेयर का नाम हो गया एज, तो वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ओके। तो अब हमने क्या किया, इस राउट पे सिर्फ हमने इस राउट पे मिडिलवेयर को अप्लाई किया है, तो ये इसी राउट पे अप्लाई होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखेंगे यहाँ पे दिस इज फ्रॉम मिडिलवेयर और वेलकम टू यूजर, मतलब यूजर वाले राउट पे अप्लाई हो रहा है। बट अगर मैं चेक करता हूँ इस पे मैं अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे दिस इज वेलकम टू यू, सिंपल यहाँ पे व्यू वाला कोड है वो दिखाई दे रहा है, मिडिलवेयर वाला नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने मिडिलवेयर सिर्फ एक राउट पे अप्लाई किया है। तो अब हम ऐसे जिस भी राउट पे अप्लाई करना चाहते हैं मिडिलवेयर को, सिंपल आपको ये लाइन ऐड कर देनी है। मान लो मैं इस पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इस पे ऐसे लिख दूंगा, सेव करूंगा, और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वो अप्लाई हो चुका है, दोनों राउट पे अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप मिडिलवेयर को किसी स्पेसिफिक राउट पे भी आप लगा सकते हैं, और सारे राउट पे लगाना है तो आपको पता है क्या करना है, आपको एक कोड लिख देना है वहाँ पे। तो ये था, हमने देखा मिडिलवेयर क्या होता है, मिडिलवेयर कैसे बनाते हैं, और हमने देखा कि मिडिलवेयर को किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, सारे राउट्स पे एक साथ अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, और किसी स्पेसिफिक राउट पे आपको अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है। तो मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और सारी वीडियोज़ हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, आपको अच्छी लग रही होंगी, आपको पसंद आ रही होंगी, और आपको इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही है, हेल्पफुल है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं वीडियो कैसी लग रही है, और आपके माइंड में कोई भी डाउट क्वेरी कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूं और उनका तुरंत आपको रिप्लाई भी करता हूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसे ही ट्यूटोरियल्स और वीडियोज यहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।